नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कतर से रिलेटेड। जी हाँ भाई, अब बात तो टॉपिक तो एक रहेगा लेकिन ये सभी पे लागू होगा। खास तौर से मैं बता दूं, इसमें एक ऑफर लेटर, एक राजस्थान का खास तौर से मैटर है, मेरे आसपास का ये मैटर समझ सकते हैं। यार देखिए कितना लोग आसानी से बना देते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे सेफ्टी ऑफिसर का जॉब। जी हाँ, ये एजेंट है, ये बंदा है जाने वाला, इनसे इनका कॉन्टेक्ट होता है, दूरी 100-150 किलोमीटर की है। बोलता है हाँ जी, कौन से जॉब में जाना है? कतर में। जी हमें सेफ्टी ऑफिसर में जाना है। जी बिल्कुल, सेफ्टी ऑफिसर का। थोड़े टाइम के बाद में ऑफर लेटर दे देता है। सैलरी पता है कितनी है? 3,500 QR कतरी रियाल, 3,500 सैलरी मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सेफ्टी ऑफिसर में 5,000 तक सैलरी मिलती है। लेकिन यहाँ पे हम डिटेल से और भी बात करेंगे, आपको ऑफर लेटर भी दिखाएंगे, सिलेक्शन भी हो गया। ये अच्छी बात है कि इस कोरोना काल में कतर लोग सबसे ज़्यादा जा रहे हैं। बिना कोई इंटरव्यू दिए, बिना कोई कुछ पासपोर्ट दिए, फोटोकॉपी के आधार पे इंटरव्यू भी नहीं हुआ और ऑफर लेटर में आके सिलेक्शन हो गया उसका। सिलेक्शन लिस्ट आ गई और 3,500 रुपये उसकी सैलरी लगाई दी गई है। 90,000 रुपये उसका चार्ज बताया गया है। जी हाँ, सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी देने से कंपनी सिलेक्शन कर लेती है। यार कितनी अच्छी बात है ये। ऑफिस वाले भी देखो कैसे, मतलब एक सिस्टम, आगे हम बात करेंगे। वीडियो पूरा देखते रहिए, अच्छे लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आप देख सकते हैं भाई, ये सिलेक्शन लिस्ट है, इसकी अलग अलग सैलरी दी गई है। पूरी मेसन में अलग है 1600 रुपये सैलरी, मेसन में 1600 से नीचे तो तनख्वाह ही नहीं है भाई। ये देखो सेफ्टी ऑफिसर में 3,500 रुपये, अच्छी बात है। देखो ये सिलेक्शन लिस्ट है, पूरी की पूरी आ गई ना, अच्छी बात है। आगे ये कंपनी की तरफ से बनाया गया है, लॉन्ग जॉब ऑफ NNS कतर के लिए बताया गया है। इसमें भी पूरी तनख्वाह बताई गई है, उसी के आधार पे ये जॉब आ गया। हालांकि ये दिल्ली से कनेक्टेड है भाई, दिल्ली में ऐसा सिस्टम होता है कि यार एक बात समझ में नहीं आई कि बस ऑफर लेटर आ गया, मेडिकल करवा लो जी, जबकि कतर की मेडिकल की क्या ज़रूरत है भाई। अगर बंदा फिट है उसको बोल दो फिट हो क्या, अपनी रिस्क पे जाओ, 1,500 रुपये मेडिकल कहीं करवा के आप जाओ। लेकिन नहीं जी, मेडिकल हमारे पास करवाना पड़ेगा ना, 3,000-5,000 रुपये दे के, वही तो कमाई का जरिया है, समझ सकते हैं आप। तो कहने का मतलब है कि सिक्योरिटी जो ऑफिसर वाला जॉब है, आपको मैं क्लियर कर दूं, आप भी अगर कोई इसी जॉब में जाना चाहते हैं तो इसका एक इंडिया में एग्ज़ाम होता है, इंग्लिश, ठीक है। उसमें आपको एक डिग्री मिलती है, डिप्लोमा मिलता है, वो डिप्लोमा आपको लेके विदेश जाना होता है। उस डिप्लोमे के बिना तो आप सेफ्टी ऑफिसर बन ही नहीं सकते ना। कोर्स हो भाई, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, अलग अलग जो ऑपरेटर होते हैं वो पहले सीखते हैं। JCP ऑपरेटर समझ लो कि भाई JCP चलानी नहीं आती लेकिन जॉब में लगवा देंगे आपको, ऐसा होता है? ऐसा नहीं हो सकता ना, सेम ये कंडीशन है। सेफ्टी ऑफिसर किसको बोलते हैं? सबसे बड़ा दायित्व का काम होता है सेफ्टी ऑफिसर, किसी बिल्डिंग में, किसी अग्नि से रिलेटेड होता है ये सेफ्टी ऑफिसर, सुरक्षा से संबंधित। और जिनको कुछ नॉलेज ही नहीं है वो ऐसे ही चला जाएगा, इस बंदे के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है सेफ्टी ऑफिसर का और इसको ऑफर लेटर दे दिया, हम मानेंगे ना फेक है, बेवकूफ बना रहा है ये बेवकूफ इंसान। वीडियो देख रहा है तो भाई बंदा बन जा, तू बंदा बन जा, मेरे पड़ोस का है इसलिए मैं तेरा नाम नहीं ओपन करना चाहता, ऐसी गलती मत कर। या तो तुझे काम करने का पता नहीं है कि किस तरह से, अब सेफ्टी ऑफिसर में जिस बंदे ने सेफ्टी का पता नहीं है कि सेफ्टी होती क्या, उसको तो सेफ्टी ऑफिसर बना के वीज़ा दिलवा देगा, कैसे हो जाएगा ये? विदेश में जाने के बाद में इसका एक एग्ज़ाम लगता है, आपने देखा होगा दुबई में सेफ्टी ऑफिसर जाते हैं, कुछ नाम था मैं भूल गया, रेरा ऐसा कुछ कोई नाम है, और उसकी 5,000 दराम फीस है, समझ गए। वो डिप्लोमा लेने के बाद में वहाँ सेफ्टी ऑफिसर का जॉब मिलता है। ऐसे आप इंडिया के डिप्लोमा से भी आप सेफ्टी ऑफिसर का जॉब नहीं मिलता विदेश में, वहाँ जाके आपको एक एग्ज़ाम पास करनी होती है, उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद में आपको जॉब मिल सकता है, जिसकी 5,000 दुबई दराम फीस है। और गल्फ में तो सेम ही, आपको पता है 4,500-5,000 दराम लगता है। तो क्या है ये, बेवकूफ़ बनाने का सिस्टम नहीं है क्या? तो भैया सावधान रहिए, जितनी आप ऑफिशियल जॉब देख रहे हो ना अच्छी वाली, कंस्ट्रक्शन को छोड़ के उसमें लोचा ही लोचा है, चाहे आप दुबई कतर चले जाओ चाहे यूरोप कंट्रियों में चले जाओ। तो ऐसे ऑफर लेटर पर आप विश्वास न करें, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।